क्योंकि लगातार आपसे हम आईटी पर बात करते आए हैं और बीच में आपने अपना थोड़ा सा स्टैंस आईटी को लेकर बदला था और आपने कहा था कि थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिहाज से, नियर टर्म के लिहाज से अगर आप कमाना चाहते हैं तो आपको एक थोड़ा सा मोमेंटम मिलेगा जहाँ पर कमाई करना मुमकिन है। अभी आपका स्टैंस क्या है? देखिए, वो मोमेंटम आ गया है। जितने भी आईटी स्टॉक्स आप देखिए, टीसीएस के नंबर्स के बाद 5 से 10-12% का उछाल आ चुका है, मगर मेरा अभी भी ये मानना है कि इनके अंदर जो अपटिक था वह अभी आया नहीं है। अच्छा, अभी तक नहीं आया। देखिए, ओवरसोल्ड बिजनेसेस थे या ओवरसोल्ड स्टॉक्स थे और मार्केट जोर से बढ़ चुका था। हाँ। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार का ट्रेडिंग बाउंस इनके अंदर ड्यू था, मगर जो अभी भी आईटी के एक नतीजे मैंने देखे हैं, कोई भी आईटी कंपनी बहुत शानदार तेजी की बात नहीं कर रहा है। बिल्कुल, तो जो कम्युनिकेशन आया है वह आया है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस एंड बेस्ट इज येट टू कम। बिल्कुल। तो दे आर नॉट सनी एंड दे आर नॉट स्कैरी। दे आर नॉट सनी एंड दे आर नॉट स्कैरी। एक नए सूर्योदय की बात नहीं कर रहे हैं, मगर ये भी उनका मानना है कि जो डार्केस्ट डस्क बिफोर द डॉन होती है वो खत्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि आईटी स्टॉक्स, स्पेशली लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, इस समय यहीं पड़े रहेंगे। देखिए, आईटी स्टॉक्स लेने का समय जब आएगा जब अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से नीचे आते हैं, और जब हम इनकी बात कर रहे थे, कुछ आईटी कंपनीज अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस से नीचे आ गई थी, तो अभी लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे नहीं है ये। तो अब क्या होगा, 2 क्वार्टर तक आपको और इनको देखना पड़ेगा। 2 क्वार्टर के बाद अर्निंग्स आ जाएंगे तो लॉन्ग टर्म एवरेज के आसपास आ जाएंगे, और अगर 4-5% का 10% का गिरावट आ गया तो ले लीजिए। तो 2 चीज़ें होंगी, या तो 10 से 15% की गिरावट या फिर 2 क्वार्टर का इंतज़ार। चलिए, अब हम क्योंकि घरेलू बाज़ार की बात कर रहे हैं, अब ऐसे में सब कुछ तस्वीर मोटा मोटा अच्छी ही दिखाई दे रही है निकुंज, हमें ऐसी कोई चिंता की बात नहीं दिखाई दे रही है। मानसून भी अच्छा खासा अब कर ही रहा है। अब ये बताया, हालांकि 2 महीने और है, देखना होगा कि क्योंकि बरसात क्या सारी जुलाई में ही हो जानी है या कुछ आने वाले महीनों के लिए बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन फिलहाल जो समीकरण निकलते हुए उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम मजबूत हैं, महंगाई को